गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड आवर चैप्टर 4, हु गेट्स द ट्रेजर। हु गेट्स द ट्रेजर मीन्स खजाना किसे मिलता है। सो स्टूडेंट, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 55। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल डू पैप 4.1। लुक एट द टू बीज बिलो, विच वन डू यू थिंक विल कलेक्ट मोर हनी, टिक योर रेस्पॉन्स। यहाँ आपको नीचे पिक्चर में टू हनी बीज दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी हनी बी ज़्यादा हनी कलेक्ट कर पाएगी? सो स्टूडेंट, फर्स्ट बी और सेकंड बी, ऑफ कोर्स द सेकंड बी विल कलेक्ट मोर हनी बिकॉज इट इज़ वर्किंग हार्ड, अनलाइक द अदर बी विच इज़ स्लीपिंग लेजीली। फर्स्ट वाली बी आराम से सो रही है, सेकंड वाली बी हार्ड वर्क कर रही है, सो सेकंड बी विल कलेक्ट मोर हनी। हेयर इज अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स हु आर सिमिलर टू द बीज। इस चैप्टर में हम दो दोस्तों के बारे में पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल हनी बीज की तरह है, मीन्स एक है हार्ड वर्क करने वाला और एक है लेजी। चार्ली एंड हैरी आर फ्रेंड्स। चार्ली और हैरी दोस्त हैं। दे वॉन्ट अ जॉब, वो जॉब करना चाहते हैं। वन डे एक दिन, दे मीट अ रिच फार्मर, एक दिन वो एक अमीर किसान से मिलते हैं। द फार्मर सेज, किसान कहता है, हेयर इज़ ए टास्क फॉर बोथ ऑफ यू, आप दोनों के लिए एक काम है। टास्क मीन्स वर्क है या काम है। यू मस्ट फीड ऑल द एनिमल्स ऑन माई फार्म। और वो वर्क क्या था, वो टास्क क्या था, कि उन दोनों फ्रेंड्स को उसके खेत के जितने भी एनिमल्स थे उनको खाना खिलाना था, फीड कराना था। द फूड इज़ कैप्ट रेडी, खाना तैयार रखा गया है। यू मस्ट फीड ईच एनिमल विद वॉट इट यूजअली ईट्स। सोमो माई हेल्पर विल गाइड यू। तो उनको क्या काम करना था कि उनके एनिमल्स जो थे, उसके फार्म के जो एनिमल्स थे उनको फीड करवाना था, जो कि वो हमेशा खाते हैं, यानी डिफरेंट काइंड्स के एनिमल थे, उनको उनके अकॉर्डिंग फूड खिलाना था या उन्हें फीड कराना था। और फार्मर क्या कहता है कि मेरा जो हेल्पर है सोमू, वो आपको बताएगा कि किस तरह से ये वर्क करना है। नाउ स्टूडेंट, टर्न ऑन योर पेज नंबर 56। द पर्सन हु फीड ऑल माई एनिमल्स करेक्टली विल गेट द जॉब। तो वो फार्मर क्या कहता है कि तुम दोनों में से जो भी मेरे एनिमल्स को बिल्कुल करेक्टली फीड कराएगा उसे ही जॉब मिलेगी। टाइम पासेस। चार्ली कंप्लेंस, आई फाइंड इज सो बोरिंग। वक्त गुजरता जाता है, जो चार्ली था वो लेजी था, तो वो क्या कंप्लेन करता है, कंप्लेंस मीन्स शिकायत करना, यानी किसी चीज़ के बारे में कहना कि ये हमें पसंद नहीं है। ऐसा कहता है कि आई फाइंड दिस इज़ सो बोरिंग, मेरे लिए ये बहुत ही बोरिंग काम है। बोरिंग मीन्स डल। आई विल स्लिप फॉर सम टाइम। वो क्या कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए सोऊंगा। दिस इज़ ए क्वेश्चन फॉर यू, विल चार्ली गेट द जॉब, टेल योर टीचर वाई यू थिंक सो। सो स्टूडेंट, क्या चार्ली को जॉब मिल पाएगी? नो, चार्ली विल नॉट गेट द जॉब बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, इंस्टेड ही वेस्टेड हिज टाइम स्लीपिंग। चार्ली को जॉब
नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है और उसके बदले वो जाकर सो जाता है। हैरी सेज, हैरी कहता है, आई विल नॉट स्लिप, मैं नहीं सोऊंगा। आई विल वर्क हार्ड फॉर दिस, मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूंगा। आई वॉन्ट द जॉब, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए, मैं जॉब करना चाहता हूँ इसलिए मैं सोऊंगा नहीं और बहुत हार्ड वर्क करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा। ऐसा कौन कहता है? हैरी। हैरी वर्क्स हार्ड द होल डे, हैरी पूरा दिन बहुत मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है। होल डे मीन्स पूरा दिन। ही इज़ फीडिंग द लास्ट फ्यू एनिमल्स ऑन द फार्म, वो मतलब वो क्या करता है कि पूरा दिन एनिमल्स को फीड कराता रहता है, लास्ट में कुछ एनिमल्स होते हैं, अब वो उन्हें फीड कराता है। व्हेन ही ओपन्स द लास्ट पैकेट ऑफ फूड, जैसे ही वो फूड का लास्ट पैकेट ओपन करता है, ही फाइंड्स मैनी गोल्ड कॉइन्स, कॉइन्स मीन्स सिक्के, गोल्ड मतलब सोना। तो उसे उन पैकेट्स में क्या मिलता है, फूड पैकेट्स में सोने के सिक्के, मीन्स गोल्ड कॉइन्स। व्हाट अ सरप्राइज, ही टेक्स इट टू द फार्मर, वो ये देखकर एकदम हैरान रह जाता है और वो सारे कॉइन्स कहाँ लेकर जाता है, फार्मर के पास। इससे क्या पता चलता है कि हैरी हार्ड वर्किंग के साथ साथ ऑनेस्ट भी है, मीन्स ईमानदार भी है। द फार्मर लाइक्स हिज ऑनेस्टी, फार्मर को उसकी ईमानदारी बहुत पसंद आती है। अगर वो चाहता तो अपने पास रख सकता था, नहीं, बट उसने ऐसा नहीं किया, वो फूड पैकेट्स में जो गोल्ड कॉइन्स निकले थे उन्हें लेकर फार्मर के पास चला जाता है और इतनी ऑनेस्टी देखकर फार्मर बहुत खुश होता है, उसे ये चीज़ बहुत पसंद आती है। द फार्मर लाइक्स हिज ऑनेस्टी, फार्मर को उसकी ईमानदारी बहुत अच्छी लगती है। ही गिव्स हैरी द कॉइन्स टू कीप, तो फार्मर इससे खुश होकर वो सारे गोल्ड कॉइन्स हैरी को दे देता है। हैरी गेट्स द जॉब टू, हैरी को जॉब भी मिल जाती है। द फार्मर सेज, फार्मर कहता है, थैंक यू फॉर वर्किंग हार्ड, तुम्हारा शुक्रिया इतनी मेहनत करने के लिए। माय एनिमल्स आर हैप्पी, मेरे सारे एनिमल्स बहुत खुश हैं। व्हाई, क्योंकि उसने सबको अच्छे से फीड कराया होता है एकदम करेक्ट वे में। यू हैव गॉट द जॉब, तुम्हें जॉब मिलती है, यानी तुमने जॉब पा ली है। चार्ली वेक्स अप आफ्टर अ लॉन्ग स्लीप, चार्ली बहुत देर तक सोने के बाद उठता है, यानी जागता है। ही सीज द फार्मर लीविंग, द फार्मर सेज टू हिम, वो क्या देखता है कि फार्मर जा रहा है और फार्मर उससे कहता है, वो किसान उससे कहता है, ओ चार्ली यू डिड नॉट वर्क हार्ड, तुमने बिल्कुल भी कठिन परिश्रम नहीं किया है, तुमने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है। माई एनिमल्स वुड हैव ऑल बीन हंग्री इफ इट वॉज ओनली यू फीडिंग दैम, तो फार्मर चार्ली से क्या कहता है, चार्ली तुमने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, अगर तुम अकेले ही मेरे एनिमल्स को फीड करा रहे होते तो मेरे सारे एनिमल्स भूखे रह जाते। वो तो वहाँ पे कौन था, हैरी था, जिसने हार्ड वर्क किया और सारे एनिमल्स को फीड करवाया। आई कैन नॉट गिव यू द जॉब, मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता। यू मस्ट वर्क हार्ड इन लाइफ, तुम्हें जीवन में बहुत कठिन परिश्रम करना चाहिए। सो इस स्टोरी में क्या होता है कि टू फ्रेंड्स हैं, चार्ली एंड हैरी। चार्ली इज़ लेजी, सो ही डिड नॉट गेट द जॉब, एंड हैरी इज सो वर्किंग हार्ड पर्सन, सो ही डिड गेट द
जॉब।